कहता हूं, यदि तुम मेरे कहना नहीं माने तो तेरा सिर काट कर मेरे चरणों में लुढ़कता हुआ नजर आएगा। पीर चलो, सीधे को डराओ धमकाओ और मुझे शादी के लिए तैयार करो। जैसे आज्ञा महाराज। आप मेरे विपत्ति में हमेशा साथ दी है, एक बार साथ हाथ दे दीजिए, मेरे लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कीजिए। अब मैं यह शरीर रखना नहीं चाहती हूँ, तो मेरे लिए चिता तैयार कीजिए, मैं अब अपना शरीर त्याग दूंगी। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैंने स्वप्न देखा है कि एक बंदर लंका को जला दिया, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, विषों भुजाएं कटी हुई है। हे माते, अब मुझे सहा नहीं जा रहा है, अब मैं यह मसूर शरीर लेकर क्या करूंगी। हे पुत्री, तुम इतना अधीर मत हो, प्रभु तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करेंगे। विधाता विपरीत हो गए हैं, हे अशोक मेरे शोक को दूर करो। अरे यह तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। तुम कौन हो? राम माते। हे माता, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान हूं। हे माता, प्रभु ने मुझे आपको खोजने के लिए भेजे हैं। नर बांगर में संगत कैसे हुई यह आप बताइए, और ये आपको मुद्रिका किसने दिया? हे माता, मैं मंदबुद्धि बंदर बंदरों के राजा सुग्रीव से मित्रता कराकर उनका दास बन गया हूँ। हे माता, यह मुद्रिका प्रभु ने आपको पहचानने के लिए दिए हैं। हे माता, आप अपने मन में धैर्य धारण रखो। हे पुत्र, क्या मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरी सुधि लेते हैं? हे पुत्र, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी कैसे हैं? हे माता, कृपा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित आपके दुख से अत्यंत दुखी हैं। हे माता, आप अपने मन में ग्लानि मत कीजिए। हे माता, प्रभु शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करके आपको अपने साथ ले चलेंगे। हे माता, मुझे इन सब सुंदर सुंदर वृक्ष वाले फल को देखकर बहुत जोरों की भूख लगी है। हे माता, अब मुझसे रुका नहीं जाता। हे पुत्र,
इस वन की रखवाली बड़े बड़े वीर योद्धा करते हैं। हे माता, आप उन सब दुष्ट राक्षसों की चिंता मत कीजिए, मैं उन सबको देख लूंगा माते, आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए माते। पुत्र, तुम तो निश्चित होकर खा सकते हो।